हाय एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं टेक इन डिज़ाइन। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं एयरबड्स प्रो 2, और ये नेक्स्ट जनरेशन है एयरबड्स प्रो का। और ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूं, लगभग 6 महीने हो चुके हैं, और इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एयरबड्स प्रो 2 मंगाया जाए। इसका ANC बहुत अच्छा था और ये 40 डेसिबल तक सपोर्ट करता है। इसका जो प्लेबैक टाइम है वो भी 25 आवर्स के आसपास है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये बॉक्स खुला हुआ है क्योंकि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था और ये अनबॉक्स डिलीवरी थी, तो बॉक्स तो खुला हुआ है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको अंदर क्या क्या मिलेगा। और अभी मैंने यूज़ नहीं किया इसे। तो आपको दो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ये एक वारंटी रजिस्टर करने के लिए आपको QR कोड मिलता है, और दूसरा ये फंक्शनैलिटी है कि आपको कैसे पेयर करना है, कैसे चार्ज करना है। इसमें लिखा हुआ है कि आप यूज़ करने से पहले इसे फुल चार्ज कर लें और इसके बाद ही इसे यूज़ करें। तो आपको सबसे पहले मिल जाता है एक वाइट कलर का प्यारा सा ये बॉक्स नॉइस का। ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। जो मैंने इससे पहले वाला नॉइस ख़रीदा था ये लगभग लाइट ग्रीन कलर का है, हल्का सा ग्रीन टिंट है इसमें, और इसे काफ़ी दिन हो गए हैं, इसके काफ़ी स्क्रैचेस भी हैं, लेकिन देखिए अभी तक इसका लोगो नॉइस नहीं मिटा है, एकदम इंटैक्ट है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कंपेयर में, अभी तो सिर्फ अनबॉक्सिंग ही कर रहा हूं। तो ये बॉक्स एक तरीके से इस तरीके से खुलता है, यानी फ्रंट से खुलता है, जबकि ये वर्टिकली खुलता था जो पुराना वाला था, और ये हॉरिजॉन्टल टाइप का है, जैसे सूटकेस टाइप का खुलता है। और अच्छी बात ये है कि इसे पिक करना बहुत आसान है, और आप जब इसे खोलोगे तो सबसे पहले इसके जो टर्मिनल हैं उनमें प्लास्टिक लगी हुई है, तो आप इन्हें हटा सकते हो, इन्हें रिमूव कर सकते हैं, और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो देख रहे हैं वो रेड कलर का जलने लगा, वो चार्ज होने लगा है। तो कुछ इस तरीके के आपको ये मिलेंगे। ये वाइट कलर का है, बहुत क्यूट सा लग रहा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में है। जो ये नए एयरबड्स प्रो 2 हैं इनमें मैट फिनिश है, जबकि जो पुराने वाले थे एयरबड्स प्रो वो थोड़ा सा शाइनी फिनिश में था, मतलब ये स्मूथ सा है, और जबकि जो नया वाला है ये मैट फिनिश में है। तो इसमें स्मजेस नहीं आएंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स इसमें दिखाई नहीं देंगे, और स्क्रैचेस उतनी जल्दी आपको विजिबल नहीं होंगे, जबकि इसमें क्या था, इसमें नेक्स्ट डे से ही जो स्क्रैचेस थे वो दिखने लगे थे। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस विजिबल हैं। जो इसका हिंज है उसमें रबिंग दिखने लगी है, कहीं कहीं घिस गया है, और आगे आपको दिख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं। ऐसे दूर से विजिबल नहीं है, बट फिर भी आप पास से देखोगे तो आपको दिख जाएंगे कि इसमें स्क्रैचेस हैं, लेकिन चूंकि ये मैट फिनिश है तो आपको ऐसे स्क्रैचेस नहीं मिलने वाले हैं, नहीं दिखेंगे। पीछे ब्रांडिंग है और लिखा हुआ है नॉइस, देख सकते हो लाइट फ्लिकर हो रही है। तो ये काफ़ी क्यूट से हैं, और इनमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली बात ये है कि जो मेरा पुराना वाला एयरबड्स प्रो थे उन्हें निकालने में काफ़ी दिक्कत होती थी, अगर आपके हाथ में थोड़ी सी भी ऑयलीज है या फिर वाटर है तो आप निकाल नहीं सकते थे, और इनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इजीली निकाल सकते हो। इसके स्टेम को पकड़ करके आप आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहते हो तो मैंने इन्हें 2700 का ख़रीदा है, और मैंने इन्हें काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने एप्पल एयरपॉड्स प्रो यूज़ किए हैं बहुत दिन तक, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कॉलिंग के टाइम पे नॉइस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसका जो एडवांस वर्जन है ख़रीदा है, क्योंकि इसमें जो ANC था वो उससे बेहतर था, जो बैटरी टाइम था, जो लाइफ टाइम था बैटरी का, वो ही बेहतर था, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। अगर आप बॉक्स में देखोगे तो इसके अलावा आपको दो पेयर ईयर टिप्स के और मिलते हैं, जो एक स्मॉल साइज़ होगा और एक बिगर साइज़ होगा। जनरली मीडियम साइज़ वो लगा करके भेजते हैं, तो दो आपको बिगर साइज़ मिल जाएंगे और एक पेयर आपको स्मॉल साइज़ मिल जाएगा। तो ईयर टिप्स हैं, और इसके अलावा एक USB A to USB Type-C केबल है, जो हमेशा ईयरफोन्स के साथ रहती है। एक छोटी सी आपको केबल मिल जाएगी Type-C to USB Type-A। इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो आपको ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं, आपका ईयरफोन, इसके अलावा आपको ईयर टिप्स और ये चार्जिंग केबल। तो
तो अनबॉक्सिंग में इतना ही, बाकी अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मैं फुल रिव्यू चैनल में डालूंगा। अगर आप कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, आपको जानना चाहते हो इस ईयरबड्स के बारे में, TWS के बारे में, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आप पुराने ईयरबड्स प्रो के बारे में और ईयरबड्स प्रो 2 के बारे में कंपेरिजन चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं कंपेरिजन भी डाल दूंगा। अगर आपको इनका रिव्यू चाहिए, डिटेल्ड रिव्यू, कॉल का एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैं ज़रूर डालूंगा चैनल में। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।